हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। जनरली कॉन्ट्रैक्टर हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में यूज़ करते हैं, जो कि आप डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज़ होता है, फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स ट्रेवल में भी यूज़ होता है। तो फर्स्ट हम लोग आज जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है। कॉन्ट्रैक्टर जानने से पहले हमको ये जानना है कि कॉयल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो कॉयल एंड कॉन्टैक्ट्स। तो फर्स्ट हम आपको कॉयल दिखाते हैं, कॉयल होता कैसा है। जनरली देखिए, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर इस टाइप का एक कॉयल होता है। ये कॉयल है, बस एक ये कॉपर का इस पर टर्न किया हुआ है। टर्न करने के बाद जो दो टर्मिनल निकला, स्टार्ट और एंड, ये दोनों को हम लोग ये पावर सप्लाई से कनेक्ट करके, एक आप जनरली ये सॉलिनोइड के बारे में भी पढ़े होंगे, तो ये जनरली एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर का एक कंपोनेंट है। अभी मैं इसको इसमें पावर ऑन करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। होल्ड ऑन, ये अभी आप देखेंगे कि जब ये हम पावर ऑन करते हैं तो ये एक, थोड़ा मैं वीडियो को ये चेंज करता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ये देखिए, जब हम पावर ऑन करेंगे तो ये ऐसा प्रेस हो जाएगा अंदर, ये मैग्नेटाइज होगा, उसके बाद ये प्रेस होगा। इसी बेस पे पूरा कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। जब ये अंदर प्रेस होता है ना, तो अब ये यहाँ आप देखिए, जब ये अंदर प्रेस होगा तो ये कॉन्टैक्ट एक दूसरे में हो जाएगा। ये मेरा इधर से एक, अगर हम मेन सप्लाई देते हैं और इधर से लोड कनेक्ट करते हैं, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्टर इनर्जाइज होगा तो ये अंदर जाएगा और ये बराबर कॉन्टैक्ट हो जाएगा। खैर, मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप ये इसको एनर्जाइज करके दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिए इसको, ये कैसा काम कर रहा है, देख रहे हैं। ये जब हम पावर ऑन करते हैं तो ये जो कॉयल है वो मैग्नेट बन जाता है और वो जो ऊपर आयरन है उसको अपनी तरफ खींचता है। इसी बेस पे कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। अभी हम आपको इसका कंपोनेंट दिखाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर में होता क्या क्या है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, ये इसका लोड कनेक्ट करने का है। यहाँ पे तीन टर्मिनल, क्योंकि ये थ्री फेज कॉन्ट्रैक्टर है, इधर और इधर, इसके बीच में ये आप ये कॉन्टैक्ट, ओपन ओपन कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट, ओपन कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट। अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या इसमें है। ये स्क्रू में निकाल रहा हूँ ताकि आप इजली देख सके, क्योंकि जनरली इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कॉलेजेस में ये सब नहीं बताया जाता है। ये देखिए, ये सेम कॉयल है जो मैं आपको यहाँ दिखाया था, ये सेम कॉयल है, बस ये इसके अंदर होता है। ये इसका पार्ट है और ये कॉन्टैक्ट में दिखा देता हूँ आपको। ये मैं इसको निकाल के, ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट, इससे अभी देखिए दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट जब जाता है बीच में तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, और ये पुश पुल जो होता है ये कॉयल बेस पे होता है। जब आप कॉयल में पावर देंगे तो ये पुल हो जाएगा, पुश हो जाएगा, जब आप रिलीज करेंगे ये फिर स्प्रिंग से बाहर आ जाएगा। ये जनरली ये कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास जो है, ये उसका रेटिंग कॉयल का 24 वोल्ट एसी है, 50 हर्ट्ज़ और 60 एसी में बोलते हैं, 24 वोल्ट एसी है। हमारे पास यहाँ पे 24 वोल्ट एसी नहीं है, इसलिए मैं 230 वोल्ट एसी का एक कॉयल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अभी मैं इसको वापस असेंबल कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये आप देख लीजिए, ये इस यहाँ पे एक लाइन आप लगा सकते हैं, लोड कनेक्ट कर सकते हैं, थ्री फेज लोड, इधर से थ्री फेज लोड, और ये मेन कॉन्टैक्ट है, ये इससे क्लोज कॉन्टैक्ट इससे होता है। ये देखिए, अभी मैं वापस इसको असेंबल कर देता हूँ, ये अंदर गया। ओके,
डाउन। खैर ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट सा आ गया, ये स्प्रिंग है जिस पे ये पुश पुल होगा। उसके बाद अभी हम लोग कॉयल डालेंगे, ये कॉयल है इसका जनरली इंसान रहता है, और ये फिर इसका कॉन्टैक्ट है ये, और ये कवर है। एक भी कॉन्टैक्टर हो गया जो इससे, अभी आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से ये कैसा काम कर रहा है। इसके अंदर जनरली दो पार्ट्स हैं, एक कॉयल है और एक कॉन्टैक्ट है, बस ये दोनों मेनली पार्ट है। इधर आप देखिए, एक लास्ट टाइम मैं दिखा सकता हूँ आपको ये कैसा काम करता है। इसमें एक कॉपर वाइंडिंग है, कॉपर वाइंड बस टर्न किया हुआ है और इससे दो टर्मिनल निकला है इधर। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये एनर्जाइज होता है, और इसके बेस पे ये जो कॉन्टैक्ट्स है, ये कॉन्टैक्ट्स अगर ये एनर्जाइज हुआ तो ये कॉन्टैक्ट्स अंदर जाता है और ये बराबर कॉन्टैक्ट इसके इसके बीच में बना देता है। जब ये रिलीज हो जाता है तो ये इसके और यहाँ के बीच में ये कॉन्टैक्ट टूट जाता है। आई होप